तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बाटी चोखा, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है चोखा बनाने के लिए 3 बड़ा साइज का बैंगन, 2 प्याज, आलू, धनिया, मिर्ची, 2 टमाटर और लहसुन। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कुकर में इसमें बैंगन में 1 कट लगा के 2 से 3 लहसुन रख के इसको इसमें बॉईल करना है। ये बैंगन रख दिए हैं, बैंगन के साथ ही आलू को भी बॉईल होने के लिए छोटे छोटे पीस में काट के रखा है, क्योंकि बैंगन जल्दी उबल जाता है और आलू में टाइम लगता है। अब ये कुकर को खोलते हैं तो आप देख सकते हैं कि आलू और बैंगन उबल चुका है, बॉईल हो गया है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसका छिलका हटाएंगे। छिलका हटाने के बाद मैंने उसी कुकर में, ज़्यादा तेल बचा था उसी कुकर में, सारी चीज़ें डाल के उसमें कच्चा प्याज, टमाटर, मिर्ची, धनिया काट के डाल के और नमक डाल के अच्छे से उसको मैशर से मैश किया है। तो ये चोखा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। इसमें आप लेमन जूस डाल सकते हैं। तो ये हमारा चोखा फाइनली तैयार हो गया है। इसके बाद अब हम आटा लगाएंगे बाटी के लिए। आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप आटा लिया है, उसमें 2 छोटी कटोरी सूजी डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है और अजवाइन डाली है, मोहन डाला है, ये सब ऐड करने के बाद ये देखिए मोहन डाला है। करके आटा फिर उसको हाथ से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और उसको ढक करके रख देंगे। फिर हमने यहाँ दाल बनाने के लिए चने की दाल ली है, अरहर की दाल मिक्स करने के बाद आटा भी धो के रख लिया है। उसके बाद चने की दाल मेरे पास थी नहीं, इसलिए मैंने चने को ग्राइंड किया है। ये फ्राई करने के लिए सारा सामान लिया है, प्याज, टमाटर, धनिया, लहसुन, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, इधर दाल हमारी बन रही है। इसको मैंने 2 से 3 बार खोल खोल के देखा कि कैसे पक रही है। अब दाल फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है सरसों का, उसमें दालचीनी, लहसुन, प्याज, खड़ी लाल मिर्ची। खड़ी लाल मिर्ची को आप डालने से पहले थोड़ा सा कट लगा लें, अदरवाइज ये इसमें गैस बन के फट सकती है। अब इसमें प्याज ऐड किया और इन सबको अच्छे से रोस्ट करना है। और ये मैंने एक अलग से मसाला तैयार किया था प्याज, लहसुन, लाल मिर्ची का, जिसकी मैंने प्यूरी बनाई थी उसको ऐड किया है। ये बन रही है तड़का दाल, जिसको मैंने 2 तरीके से फ्राई किया है, एक खड़ा मसाला काट के और एक ग्राइंड करा हुआ मसाला। अब इसको अच्छे से लो फ्लेम पे भूनेंगे और जब तक भूनेंगे जब तक कि ये ऑयल रिलीज ना कर दे। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे अभी भुना हुआ दिख रहा है। जब मसाला आधा भून जाए तब उसमें आपको टमाटर ऐड करने हैं। अब ये मसाला हमारा भून चुका है और मैं इसमें दाल ऐड कर रही हूँ।
अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। दाल हमारी ऑलमोस्ट तैयार है, ये दाल तैयार हो गई। देखने में यम्मी है, खाने में भी यम्मी है। और अब तैयारी हो रही है बाटी बनाने की। बाटी बनाने के लिए हम लोगों ने छत पे आग जलाई लकड़ी से और नारियल के, और वहीं साथ साथ में चाय पी रहे हैं। अच्छा जी, ये देखो, और ये बाटी का डो तैयार है। इसको ढक के रखा था मैंने, तो इसमें सूजी फूल गई है। और इसकी स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे बेसन, देशी घी में बेसन और उसमें सौंफ नींबू डाल के फ्राई किया है। इसकी मैंने स्टफिंग की है बाटी में, थोड़ी थोड़ी सी गोल गोल करके। इससे एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब बाटी को तोड़ते हैं आप, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये बाटी भी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है बनके। आग तैयार है, आग अच्छी आग नहीं है क्योंकि यहाँ कंडे वंडे तो है नहीं, तो ये आग बहुत तेज है। इससे हमारी बाटियाँ ऊपर ऊपर बहुत जल गई थी, बट फिर हम लोगों ने धीमी धीमी आँच में इसको सिकने दिया, तो अंदर से अच्छे से पक गई थी और ऊपर से भी ठीक थी। देखने में थोड़ी सी जली हुई लग रही थी लेकिन ठीक थी। ये छत में ही हम लोगों ने सारी बाटी बाटी बनाई। मौसम कल का बहुत अच्छा था, पूरा दिन बारिश हुई सुबह से लेके शाम तक, रात तक बारिश हुई। ये देखिए बाटियां ऐसे ऊपर से जली जली दिख रही हैं बट जली है नहीं, एक्चुअल में अंदर से भी पक गई थी ये लास्ट में। और ये हमारी डिश तैयार हो चुकी है फाइनली। दाल बाटी चोखा एंड सैलड, प्याज पापड़, वहीं बैठ के हम लोगों ने छत में ही खाया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और हमें मोटिवेट करिएगा। दाल नहीं लगी, नहीं लगी, लगी है। अरे दाल नहीं करवा दी यार।